हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। होप आप सबने बसंत पंचमी बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो ये वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, चलिए आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो बहुत सालों के बाद आज हमने सरस्वती पूजा मनाई, वो भी बेंगलोर में, और ये बहुत स्पेशल था। तो ये सरस्वती पूजा के दिन छोटे बच्चों को हाथेखोड़ी कराया जाते हैं। तो मेरा बेटा का हाथेखोड़ी हो जाने के बाद हमने यहाँ पे पुष्पांजलि भी दे दी है। तो चलिए कुछ पिक्स हम देख लेते हैं। और पूजा होने के बाद आखिर भोग ना मिले तो पूजा अधूरी रह जाता है। तो मेरे देवर ने भी कम नहीं छोड़ा, तो वो भी भोग लेके आ गया। ये खिचड़ी, बैगन भाजा, रसगुल्ला, लूची और साथ में आलू की सब्जी, ये सब भोग में हमको मिला है। चलिए ये सब फिनिश करके हम निकलते हैं यहाँ से। और ये भोग खाने के बाद हम बाहर आके नारियल पानी पिए, क्योंकि बाहर बहुत ही धूप था। तो ये सब करने के बाद आखिर सेल्फी ना ले तो ये फेस्टिवल अधूरी रह जाएगी। तो बहुत सारा हमने सेल्फी लिया। और चलिए अब जाते हैं हम घर। तो घर जाके हमने रेस्ट करके फिर पूरा फ्रेश हो गए और शाम को हम आ गए हैं कोरमंगला डिनर करने के लिए। ये कोरमंगला का एक रोड है जहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट है। ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे फुल मस्ती कर रहा है। और हमने एक इटालियन रेस्टोरेंट चूज की है, चलिए चलते हैं उसके अंदर। तो ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हमने पहले से बुकिंग करके रखे थे तो हमको इजीली सीट मिल गया। तो चलिए फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं। और ये है मेरी छोटी देवरानी। और यहाँ पे सब वेट कर रहा है अपना अपना प्लेट आने के लिए। तो ये है चिकन सलाद विथ लॉट्स ऑफ सौते वेजिटेबल। और ये है रिसोटो, जो कि बहुत ही फेमस इटालियन डिश है। तो ये आ गए पिज्जा, बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है। और एक चिकन का कुछ डिश लिया है, इसका नाम मुझे याद नहीं रहा, बट दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सरस्वती पूजा का ये वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें।